बता रहा हूँ कहाँ गया था, बता रहा हूँ कहाँ गया था, मैं बता रहा हूँ। मुझे भी नहीं पता मैं कहाँ गया था, बट काम से आया हूँ यार। सुनो, वीडियो लेके आया हूँ और अब से रेगुलर रहूंगा, समझ रहे हो तुम। तो यार कहाँ गया था, क्यों गया था, क्या कर रहा था वो तुम्हें नहीं पता हो तो इंस्टाग्राम पे चेक कर लेना, तुम्हें पता है मैं क्या कर रहा था क्या नहीं कर रहा था। तो फिर से आ चुका हूँ और अब से रेगुलर रहेंगे, मैं सही कह रहा हूँ। चल झूठा, एकदम मजाक नहीं कर रहा, सही कह रहा हूँ पागल, एकदम अब से रेगुलर, ठीक है। ओके तो शुरू कर देना आज की वीडियो बिना किसी चूतिया बंदी, लेट्स गेट इनटू इट, चले ही जाते हैं अंदर। ओके तो आज अपन जिस शख्स के बारे में बात करने वाले हैं, कौन है वो? एलन मस्क के चोदे, यस, YPM व्लॉग्स के बारे में बात करने वाले। अब आपको YPM व्लॉग्स के मतलब ऐसे पर्सनालिटी के बारे में नहीं पता तो मैं बताता हूं। अगर गौरव जोन मॉ व्लॉग्स के साथ सेक्स करता तो उसका ये बच्चा होता, क्योंकि बेस्ट लाइफस्टाइल व्लॉगर मेरे हिसाब से मॉ व्लॉग्स है, आई थिंक मेरे हिसाब से, मेरा ओपिनियन। और वर्स्ट कौन है तुम सबको पता है, गोबर जोन, उससे बेकार कोई हो सकता है क्या? हाँ ये YPM भैया 15 मार्च को एक गाड़ी लेते हैं, सॉरी फोन बज गया, ओह पेमेंट आ चुका है, आज व्लॉग रॉक रोस्ट सब कैंसल, पेमेंट आ चुका है मेरे ऊपर, बाय बाय चल। पार्टी बदल लिया साला, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। मैं मजाक कर रहा हूँ, नहीं आया पेमेंट, मैंने कहा था कर देना, नहीं तो मैं कैंसिल कर दूंगा रोस्ट का प्लान, बट किया ही नहीं पेमेंट उन्होंने। बड़ा हरामी हो बेटा। कोई बात नहीं, पेमेंट नहीं आया, कोई बात नहीं। बंदा 15 मार्च को एक गाड़ी लेता है, गाड़ी ली, व्लॉग तो बनाएगा, लाइफ टाइम लोगों व्लॉग भी बनाया था, हो ही नहीं सकता है भाई साहब व्लॉग बनाते। मैं भी देख रहा हूँ, ठीक है, एक व्लॉग आया, दो आया, तीन आया, चार आया, पाँच आया, छः आया, सात आया, भाई साहब ने 10 से 12 वीडियोज बना दी उस एक गाड़ी के ऊपर। जैसा इन्होंने अपनी DC अवंटी के साथ किया था, उसके साथ भी सेम यही चीज़ की थी, मदर रिएक्शन, फादर रिएक्शन, पेरेंट रिएक्शन, ड्राइवर रिएक्शन, बंदी रिएक्शन, सॉरी वो होगी नहीं, फिर भी मतलब जितने सदस्य हैं, पब्लिक रिएक्शन, ट्रैफिक पुलिस रिएक्शन, सब बना दिया, सब मतलब सब बना दिया एक गाड़ी के ऊपर। अब तुम सोच रहे होंगे गाड़ी लेनी कैसे, तो तुम्हें क्या करना है, एक ऑडी R8 किराए पे ले लो। ओह शिट, अकॉर्डिंग टू YPM's पापा गाड़ी किराए पे ले ही नहीं सकते, गाड़ी तो खरीदनी पड़ती है। हिंदुस्तान के अंदर एक चीज बहुत क्लियर है कि कितनी भी हाई एंड कार्स होती हैं, हाई एंड मोटरसाइकिल्स होती हैं, वो लीज पे नहीं मिलती, रेंट पे नहीं मिलती, वो गाड़ी आपको परचेज करनी पड़ती है, चाहे वह ऑडी है, BMW है या मर्सिडीज है। ओके तो जिस हिसाब से पंजाबी सिंगर्स आ रहे हैं तो इनके पास लैम्बोर्गिनी खुद पड़ी हुई है, क्या कर रहे हो अंकल जी, प्लीज बच्चे की बकचोदी में इतना मत इन्वॉल्व हो जाओ कि अपना सेंस ऑफ ह्यूमर खो दो यार, प्लीज समझो। बस इतना ही कह सकता था, अगर मैं कुछ ज्यादा बोला तो मेरे पे नोटिस आ जाएगा और मेरे को वो चीज चाहिए नहीं, अपन तो शांत आदमी शांति से बातें बताएंगे। और प्लीज YPM अगर तू ये वीडियो देख रहा है, नोटिस भेजने पहले मेरे को एक बार DM कर देना, पेमेंट भेज दे, तेरे IQ जितने पैसे भेज देना मेरे पास, ओ फिर तो माइनस में जाना पड़ेगा। भैया जी आप तो ये अच्छा था, हंसना चाहिए, हंसो बे, अभी मैं हा वाला इमोजी लगाऊंगा तुम हंसने, हंस लो बे, प्लीज हंस लो प्लीज, और हंसी नहीं आ रही है ना तो इस बंदे के ह्यूमर पे हंस लो, इस बंदे के कंटेंट पे हंस लो। अगर तुम्हें कभी भी जिंदगी में हंसी नहीं आ रही है YPM पे चैनल पे पहुंच, तुम्हें थंबनेल देख के हंसी आ जाएगी, बाकी सब तो छोड़ो, थंबनेल देख के हंसी आ जाएगी। और भाई साहब का मतलब IQ इतना टॉप पे है ना, भाई साहब दुबई को एक कंट्री समझते, दुबई इज अ टैक्स फ्री कंट्री, आई मैं तो मर ही जाऊं, मैं मर जाऊंगा यार भाई, मैं मर जाऊंगा यार, हाथ जोड़ता हूँ। क्या करा जाए इसका बताओ, अभी क्या करा जाए इसका, हाथ जोड़ता हूँ। तो भाई साहब दुबई को एक कंट्री समझते, नहीं भाई वो कंट्री नहीं है, मानता हूँ तो गवार है, तो स्कूल जाने की उम्र में गौरव जोन और मो व्लॉग्स की वीडियोस देखता है,
देख रहा होगा सर, अब तो स्कूल जा रहा है क्या? अरे एक 7-star होटल है, लाइक ओनली 7-star होटल इन द अर्थ हैं ये, ओनली 7-star होटल इन द अर्थ। हाय हाय हाय, इंग्लिश तो ढंग से बोल ले, इंग्लिश तो ढंग से बोल ले। और ओनली 7-star, इस बंदे के चैनल पे पूरा कंटेंट। मैं इसका चैनल देखने के बाद मेरी इतनी ब्रेन सेल्स मर गई है ना कि मेरे को कंटेंट भी नहीं बोला जा रहा है। मतलब इस बंदे का चैनल पूरा सिर्फ और सिर्फ फ्लैक्सिंग के बाद, इसकी कार, इसकी सुपर बाइक, इसकी दुबई की ट्रिप्स, इसके महंगे गैजेट्स, इसके दिवाली के पटाखे। हाँ वो भी इंपॉर्टेंट होते हैं भैया के, सब एलन मस्क के चूदे हैं ना ये, कह रहा हूं मैं। और वो एलन मस्क चूतिया, वो कहां जाना है उसको, मंगल वंगल पे कई सिटी बन गई भाई, तो इसको भी लेके जा प्लीज, जा प्लीज, हाथ जोड़ता हूं इसको भी लेके जा। ये वहां पे भी बोलेगा माय मंगल हाउस, माय मार्स न्यू हाउस। रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ तुम्हें पता है मेरे जो बाल बड़े हो रहे हैं, मुझे पता है अभी कई लोगों के कमेंट पे भाई बहुत सेक्सी लग रहा है, पता है मुझे, इतनी तारीफ मत क्या करो। बट एक बात कहूँ, ये बाल कटवाने में कब जाता हूँ, एक महीने में एक बार, वो भी कितने रुपए, 100 रुपए भाई। दाढ़ी तो थोड़ी थोड़ी आ रही है, थोड़ी थोड़ी अभी 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 आनी चालू हुई है, अभी आनी, कितने रुपए, 150 रुपए लास्ट, इतना ही होता है, कितना होता है तुम्हारा इतना भाई साहब, कितने के करवाते हैं सोचो सोचो, 5000 रुपए के, 5000 रुपए के, 5000 रुपए के बाल। हाँ ऐसा कितनी लगती है शेव और हेयर कट होने में, मैक्सिमम आधा घंटा, आधा घंटा, मेरे को 2 घंटे लगे टोटल, को 2 घंटे में तो 5000 रुपए बेवकूफ बना रहे तुमको, बेवकूफ बना दिया तुमने, बाल बना दिया। उसके पापा भी कह रहे हैं कि तुमने बाल कटवाए, लग भी नहीं रहे 5000। ओके मैं दुखी नहीं हूँ, मैं इनके घर वालों के लिए ऐसे चिंतित हो रहा हूँ कि इनके घर वाले कैसे झेलते होंगे इसको, कैसे कि मतलब हर तीसरे दिन इसकी नई गाड़ी आती है, उसके लिए रिएक्शन दो, ठीक है, पहला रिएक्शन, पहले डिलीवरी लेने जाओ, उसके बाद उसकी मॉडिफिकेशन करवाओ उसका रिएक्शन, उसके बाद गाड़ी में बैठो उसका रिएक्शन, गाड़ी चलाओ उसका रिएक्शन, गाड़ी में एक्सीडेंट करो उसका रिएक्शन, ड्राइवर अंकल को बैठाओ उसका रिएक्शन, सबका रिएक्शन, मामा का रिएक्शन, मामू का रिएक्शन, मामी का रिएक्शन, दादा का रिएक्शन, सबका रिएक्शन चाहिए इनको। एक काम करना भाई, लाइव इंसान की सॉरी, एक रिएक्शन चैनल ही खोल दे, बेस्ट है, कमा लोगे अच्छे से, वो भी कमा ही रहे दूसरों का कंटेंट उठा के। मैं यूं नहीं कह रहा हूँ सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ लोगों की बात कर रहा हूँ, कुछ लोग तो अच्छे भी होते हैं, मतलब होते हैं, जैसे मेरे भैया हैं प्रिंस मैक्स एक्सट्रीम करके, लिंक दे दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में, तो उनको जाके देखो, बहुत बहुत सही रिएक्ट करते हैं, ठीक है, अच्छा प्लग था ना ये, मेरे को पता समझ सर। और ये बंदा इतना चूतिया है ना कि मतलब तुमको बताता हूँ, ऐसे बताता हूँ भाई साहब, जितनी भी दुबई सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ यार, इसका चैनल ही देखना बंद करना पड़ेगा, तुम्हारी वजह से मेरी इंग्लिश खराब हो रही है, मेरी सब कुछ, मेरा IQ तक मर रहा है, ठीक है। ओके अब कोशिश करता हूँ बोलने की, भाई साहब की जो दुबई की ट्रिप्स होती है, भाई साहब के जो अधिकतर वीडियोज होती है वो सारी स्पॉन्सर्स होती है, ये भाई साहब ने खुद कहा है। बट एक बात क्यों भाई, भाई इधर इधर, अगर ये ऐसा होता है ना, ऐसे मतलब ऐसे आप स्पॉन्सर लेते हो तो एक YouTube के अंदर एक ऑप्शन होता है, इसमें स्पॉन्सर है या नहीं, अगर आप स्पॉन्सर लेते हो तो बता दिया करो कि ये एक स्पॉन्सर्ड वीडियो है, प्लीज़ इतना सेंस लगाओ। नहीं बट अगर इन्होंने वो कर दिया तो YouTube एड्स ही नहीं देगा, एड्स नहीं देगा तो उससे भी पैसे नहीं आएंगे, स्पॉन्सर से भी पैसे चाहिए और तो और एड्स से भी पैसे चाहिए। वाई भैया, वाई यू आर डूइंग दिस, वाई आर यू डूइंग दिस, प्लीज़ बंद कर दो भैया, प्लीज़। भाई साहब अपने वीडियो में कहते कि मेरी वीडियो में कमेंट क्या करो, कैसे करें भैया, कैसे करें, कमेंट्स तो आपने ऑफ करके रखे हुए। भाई अगर क्रिटिसिज्म झेला नहीं जाता है तो ऐसा कंटेंट बनाओ भी मत कि लोग आपको क्रिटिसाइज करें, और ये इंटरनेट है, यहाँ पे हर किसी को क्रिटिसिज्म फेस करना ही पड़ता है, चाहे मैं हूँ, आप हो या कोई भी हो, मोदी जी को करना पड़ता है, बीबी को करना पड़ता है, आशीष भैया को करना पड़ता है, और तो कैरी को भी करना पड़ता है क्योंकि वो लायक है। मजाक कर रहा हूँ, सिर्फ एक जोक है, बट क्रिटिसिज्म सबको फेस करना पड़ता है, और प्लीज प्लीज इस एलन मस्क के चौधे को मेरे से दूर रखना। और भाई मैं चाहता हूं कि अगर ये तू वीडियो देख रहा है ना, तो थोड़ा सा बुद्धि लगा, थोड़ा सा अपना दिमाग लगा और कुछ अच्छा कर ले जीवन में, कुछ अच्छा कर लो ताकि लोग ऐसा कर ले भाई। पर फ्लैक्स करना ठीक एक हद तक अच्छा लगता है, बट थोड़ा तो ऐसा ध्यान रखो कि मतलब ऑडियंस को इतना चूतिया मत बनाओ कि वो आपको कंटेंट भी प्रेडिक्ट करना चालू कर दे। अभी इसके कमेंट सेक्शन अगर जहां पे भी खुला है वहां पे देख लेना,
लोग यही कमेंट कर रहे हैं कि हमें पता है कि क्या आने वाला है, तो अपने H12 बेच देने वाला है, तो अपने R8 बेच देने वाला है, यही लोगों को पता है कि कंटेंट क्या होने वाला है, क्योंकि इतना रिपीटेटिव कंटेंट है इसका, प्लीज। और अगर आप ये देख रहे हो तो थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले रोस्ट में, और तब तक के लिए बाय। और हाँ, किसका करना है मेरे को बता देना, अगला रोस्ट किसका करना है, या फिर टॉपिक बता देना। और जो आपने थंबनेल देखा, कितना प्यारा थंबनेल, बहुत प्यारा थंबनेल था ना, तो ये थंबनेल बनाया प्रयाग शर्मा ने, उनका चैनल है व्लॉग विद प्रयाग शर्मा, उसके लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो जाके भाई को सब्सक्राइब कर लेना, फैन छोड़ YPN, सॉरी बट तेरा चैनल मैं आज के बाद नहीं देखूंगा। सब्सक्राइब कर लेना भाई के चैनल को, और मेरे चैनल को भी कर लेना सब्सक्राइब, अगर नहीं किया हो तो जाओ और जाके देखो और मजे लो, जिंदगी के मजे लो, बट ऐसी बकचोदिया मत करना प्लीज़।